भाइयों नमस्कार। वीडियो में आप ये हाँ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जालना जिले से है भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुशांत गांगुरुड़े, हाँ सुशांत भगवानराव गांगुरुड़े, वो मुक्काम पोस्ट वोड़ी उदरी तालुका आंबड़ जिला जालना। जी जी, तो सुशांत भाई आप बताइए आपके पास बैल कौन सा है? अपने पास वो तेजा है, तेजा बांडा। हाँ काला बांडा। हाँ हाँ, तो अभी आप बताइए कि अभी इस साल आप कहाँ कहाँ खेल पे गए थे और बैल ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिखाया, प्रदर्शन दिखाया? आपने स्टार्ट किया था तब हिंद केसरी पिस्टन की गाड़ी मारी थी आपने? हाँ हाँ, मोरगाव, पुणे मोरगाव मैदान में। जी 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 जी, उसके बाद बैल का थोड़ा बीमार हो गया, उस वजह से मैं खेल में आया नहीं इस साल। हाँ इस सीजन में आप दिखे नहीं ज्यादा मैदानों पे। हाँ नदर इस साल सब महाराष्ट्र आपने को खेलने का, लेकिन कैसा बैल का बीमार हो गया अचानक से, उस वजह से मेरे को आना नहीं जमा। तो बैल फिर अब क्लियर होगा? हाँ बैल अभी क्लियर क्लियर होगा हो गया है, मतलब अब फिर आगे का अब क्या है सीजन का, मतलब किधर मारा है वो, अपने पुणे साइड जाने का है या फिर इधर ही बिंजोर? नहीं नहीं सब खेलने का, तुम्हारे इधर भी आने का, इधर ब मराठवाड़े में भी खेलने का है, और पुणे खेलने का, और मुंबई पर खेलने का। तो सब मतलब खेल खेलने आपका के। आपका बैल जो है तेजा बांडा, जो कि खैर सभी दर्शक भाई मतलब अच्छे से जानते हैं बैल, इतना फेमस बैल है आपके पास, तो ये मतलब सारे इसमें सारे खेल में चलता है, मतलब शंकरपट हो चाहे वो बैलगाड़ा सरियत हो, शंकरपट बिंजोड़ में हो। चलता है, बिंजोड में चलता है, और पुणे के गट में भी चलता है। हाँ हाँ अब अभी वही आपने को घाट खेला, घाट का खेल खेलने का नहीं, वो पुणे का। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछना चाहूंगा कि ये शौक आपको मतलब कब से लगा है? ये बचपन से लग गया। हाँ हाँ, तो अभी आपके पास तेजा बैल, इसके पहले और कौन सा बैल था आपके पास? नहीं मेरे पास हमारे दोस्त ग्रुप है ना, उनके सब हाँ? नंबर के जो बैल रहते हैं हमारे भाग में। हाँ हाँ हमारा जो इलाका है ना, तो हम खाली पहले नंबर के बैल रखते। जी जी हमारे इधर पहले भागते थे पक्षा होंडी जी अशोक काळे, दो दूसरी बार भागे विष्णु पवार, जी जी उनके पास राजा था पहला। हाँ हाँ दादा पाटिल ने ले आया था उपलस खेड। हाँ हाँ दादा पाटिल, नहीं नहीं परला सेठ वाशिम। हाँ हाँ और उनके तरफ फिर से आ गए पक्षा। जी पक्षे के बाद वो जादव साहब हमारे तरफ आए थे, पुलिस स्टेशन पुलिस है वो जमादार। हाँ हाँ उनके पास था गिरधारी जी। उनके बाद आपने घर पे ये जन्म लिया इसने तेजा ने। तो ये बच्चा मतलब आपके घर का ही है? हाँ अपने घर से है, अपने गाय ली थी उसके पास, उससे हो गए वो गाय के। तो ये मतलब गाय को सीमन लगवाए थे या फिर क्रॉस करवाया था? नहीं नहीं गाय प्रेग्नेंट थी। हाँ मतलब प्रेग्नेंट गाय ली थी आपने? हाँ तो उसका बच्चा ये तेजा हुआ। तो गाय अपनी कौन सी नस्ल की है, देसी है या किल्लारी है? ओरिजिनल देसी। ऐसा जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास मतलब बैल तो शानदार है, तो इसके लिए आपके पास मतलब ऑफर भी आए होंगे जैसे बेचने के हाँ, हिसाब बहुत से आए। बैल देना? हाँ नहीं बहुत ऑफर आए, वो पुणे के महेश दादा लाने के आमदार, हाँ हाँ उनका भी कॉल आया था संडे यादव चैनल वाला मार्फत। हाँ हाँ पहचानते हैं। हाँ उनके तरफ से कॉल आया था, लेकिन आपने को देने का नहीं। हाँ तो इसकी मतलब मंगनी कहाँ तक के लग गई है? इसकी मंगनी घाट वाले ने बोले थे 30 लाख, और हाँ 3 घाट का फाइनल करके उसकी कीमत और लगेंगी, बोली दूसरी लगेंगी। हाँ वो तो है, जैसा बैल कमाल हाँ करेगा वो तो कीमत बढ़नी चाहिए। तो आप उन उधर खेलते नहीं, अपना बैल शांत नहीं, अपना बैल आंग को टच नहीं करने देता। हाँ हाँ जब मैदान में खड़े होता ना तो वो आंग को टच नहीं करने देता। हाँ हाँ वो कैसा आशा घर पे कुछ भी करो उसको कोई दिक्कत सब नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है, लेकिन हाँ हाँ मैदान में गया ना किसका आशा ऐसा मुझे हाथ भी नहीं लगाने देता वो। हाँ हाँ उस वजह से वो खेल नहीं खेलते अपन घाट का। अगर वो पैसे देखने के वास्ते अपन बैल को कुछ हो गया ना तो वो खेल भी जाएंगा और बैल भी जाएगा। हाँ सही है ना, तो उससे नहीं अच्छा पड़ेगा अपना कि जाऊं ऐसा, साथ। नहीं नहीं अपना बैल ऐसा ही, अपना बैल सब तरफ भागता है, मैदान में गया मैदान में भागता है, बिंजोड़ में गया बिंजोड़ में भागता है। हाँ ऑलराउंडर कहना चाहिए, मतलब कहीं हाँ डाल दो कोई दिक्कत शंकरपट में नहीं। भी भागता है, उस वजह से आपने को कोई दिक्कत नहीं, आप कौन सा भी खेल खेल सकते।
जिस खेल में आपने शुरुआत पहला शंकरपट में गया, शंकरपट में पहला जाने के बाद पहला नंबर लिया और बच्चे की पहली गाड़ी पकड़ी थी जब बच्चा दो साल का था भिंजोड़ का, तो पहली गाड़ी मारी थी। तो ये अपना बैल अभी दांत में मिल गया है? नहीं, चार दांत है अभी। चार दांत है? अरे फिर तो अभी बहुत बड़ा बनने का है। हाँ, अभी बच्चा हुआ, अभी उसको 3.5-4 साल हो रहे अभी। हाँ, फिर तो बहुत जबरदस्त बैल बनेगा। हाँ, पहला मैदान किया था आपने हिंदगी श्री मैदान बीड का, चंपावती। चंपावती में आपने दूसरा नंबर किया था 3 फेरे भाग के। हाँ, पुणे में? नहीं, बीड, आपने जानना, आपने जानना कि बाजू को साइड भी। हाँ, बोल। MH 22 उसमें दूसरा नंबर किया था बीड में। जी जी। आई वो पुणे में गए थे मोरगाव को। हाँ। तो उधर पिस्टन की गाड़ी मारी थी पीछे का बैल डाल के, जो बैल कभी गुलाल में भी नहीं था ना। हाँ। वो बैल डाल के आपने उसकी गाड़ी मारी थी। हाँ, तो उसके बाद बैल थोड़ा बीमार हो गया, बीमार नहीं होगा था, लोगों ने थोड़ा कार्यक्रम बिगड़ा डाला था ना। हाँ, हो जाता है वो तो, फिर अब लोगों की नजर ही ऐसी है। हाँ, उसके लोगों की नजर लग गई तो बैल अभी तक फ्रेश नहीं हुआ था, अभी बैल फ्रेश हुआ है। अब अगले साल खेलेंगे इस सब तरफ, MP तरफ खेलेंगे, सब खेलेंगे। ये जैसा बच्चे आपके घर में बच्चा हुआ था तो आपको मतलब कुछ स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया था कि यार बच्चा अपना मतलब बड़ा होके अच्छा कमाल कर सकता है? नहीं नहीं, उसके आंग में स्प्रिंग है। हाँ? वो जब भागता है ना तो आप कैसा टूप कैसा खींचा तो तान था। हाँ, वैसा उसके अंग अंदर ऐसा भागने के बाद उसका अंग ऐसा लंबा हो जाता, चौड़ा बंद हो। हाँ हाँ हाँ। उस वजह से मेरे को लगा अभी इतना तान सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो तो है। हाँ, तब से मैंने उसको जान ला गई। फिर उसका दूध भी खुराक पानी चालू रखा। हाँ हाँ, आप ये खुराक का बता रहे तो मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब अभी डाइट में कैसा क्या दे रहे हो बैल को? डाइट में कुछ भी चलता है लेकिन खाली दूध भी पिलाते। हाँ, तो दूध मतलब कितना दे देते हो? एक टाइम में कितने लीटर मतलब लीटर? एक टाइम में 3-4 लीटर देती। हाँ, तो दोनों टाइम देते हो? अभी हाफ सीजन चला तो एक टाइम चलता है। हाँ, फुल सीजन में मतलब? हाँ, मतलब दोनों टाइम चलाते हो? हाँ, दोनों टाइम चलते। कैसा मालूम क्या, जब रनिंग पे रहता ना तो उसको खाने को लगता है। हाँ, वो तो है, फिर जैसा बैल चलता है तो उसको डाइट में तो फिर देना ही पड़ेगा। और वैसे राशन पानी का क्या देते? हाँ, खुराक से चलना पड़ता ना। चारा खाने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता ना उतना। कैसा खेल पे जाते दिन भर बैल खाली पेट रहते। हाँ। बाद में घर पे आते रात भर जितना चारा खा सके उतना खा सकते, फिर दूसरे दिन फिर खेल पे निकलते। हाँ ना, तो अभी राशन में क्या देते हो? जैसे दूध तो जैसे 3-4 लीटर, राशन में कुछ देते होंगे? राशन में गेहूं, चना। हाँ, मिक्स करके मतलब इनको। हाँ, चक्की से ये करके मक्का इनका। हाँ। कैसा बट्टी, हमारे तरफ बट्टिया बनाती है ना। हाँ। तो बट्टी तरफ आटा बनाने का। हाँ? हाँ। और वो क्या करने का, आप गिन के डालते। हाँ। दर दिन का माप जो रहता ना। हाँ। वो माप के वजह से दर दिन देना पड़ता गिन के। ऐसा चलता है हमारे तरफ। और वो आपके साइड सुनने में आया है बुलेट राजा करके कुछ आया है बोले मार्केट में, तो उसका कैसा क्या रिजल्ट है? आपने यूज किया कभी? नहीं की? नहीं नहीं, वो नहीं खिलाते आप सब ओरिजिनल खिलाए थे। दूध पिलाते और घी और तेल। ये मतलब चालू सीजन में सब कुछ चलाते हो? हाँ, वो नहीं आप बुलेट राजा नहीं खिलाते और दाल नहीं क्या उड़ीद की? हाँ हाँ, वो भी नहीं देते आप। खाली बैल बांधता है, बैल के अंदर जो पावर रहती ना, ये जो पावर का खिलाई रहती उसमें रहती। वो बुलेट राजा में ये आपने को आज पसंद नहीं हो। आपने को जो है ना तो ओरिजिनल छोना। वही सुनने में आया था, काफी लोगों से सुना था कि यार बुलेट राजा चल रहा है आपके साइड अभी करेंगे। नहीं, बहुत लोग खिला रहे हो बुलेट राजा। बुलेट राजा से तबियत जल्दी से बन रही है लेकिन बैल भी बहुत मर रहे उससे। हाँ, वही होगा थोड़ा, वो उसमें क्या क्या डालते हैं पर उतना सटीक चीज होगी नहीं उस चक्कर में, मतलब उसका
वो इन्फेक्शन टाइप का होता होगा कुछ जानवरों को। हाँ हाँ, वो क्या मालूम नहीं आपने, आपने कभी लाया इसने नो? वो आप खाली क्या करते है, शंगदाने की ढेप देते, शंगदाना ढेप सुबह सुबह पावशियर शेंगदाना ढेप, और ये अपना जो आटा रहता है उसमें तीन एक प्लेट भर के वो आटा डालते हाँ, शाम को आटा खिलाते और दूध पिलाते। बढ़िया। हाँ, बुलेट बिलेट राजा वो नहीं आपने खिला दे, वो कैसा है आपने को मालूम नहीं रहता क्या क्या मिला थे उसमें, क्या क्या मिलावट है, कुछ कुछ नहीं, उस वजह से कुछ होगा ना, तो काली रिका में कार्यक्रम नहीं होना चाहिए ना। सही है ना। हाँ, तो ये तो हो गई अभी तक की जो बातें, अब आगे का क्या है, कभी MP आने का सोचा है आपने? नहीं, सब तरफ खेलने का, MP भी आने का, महाराष्ट्र खेलने का, पूर्व महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, सब खेलने का आपने। चलो बढ़िया है ना। हाँ, उस वजह से तो आपन खेल रहे, उस वजह से तो रुके वाले ना। हाँ हाँ, न तो बैल की इतनी मांग हुई तो हमारी तरफ इतने बैल रखते नहीं कुछ। हाँ, दो चार लोग है खाली खेलने वाले, बाकी सब वो दलाल लोग तरफ से बैल बनाते, बैल बेच डालते। हाँ वो तो है आपके साइड जैसे। हाँ, वही है ट्रेंड की, बच्चा नया जैसे बच्चे लिए बनाओ एक साल के अंदर में उसको, और बना के और बेचने का काम ज्यादा है। हाँ, वो बेचने का काम नहीं करते, अपन अपने को खेलने का है, अपने को नाम बनाने का, बैल का नाम बनता है, मालिक का भी नाम बनता है। हाँ वो तो है ना। जो बैल बेचते ना तो वो कैसा रहता है, उनका धंधा या और रहता है। हाँ, वो बेचते और फिर दूसरे चालू करते। अपन बनाए अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से खेलेंगे। सही है ना। नहीं तो बैल कुछ भी, कोई भी मांगता बैल। चलो, बैल को कोई टेंशन नहीं, बैल कोई बोल लेने के लिए तैयार है। हाँ वो तो है, बैल चलता है तो उसमें क्या है। हाँ, इस वजह से आप ये खेल में खाली रहे, लेकिन अगले साल खेलेंगे। चलो ठीक है ना। ठीक है तो। हाँ, भाई सुशांत भाई धन्यवाद, आपने हमको धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया जी।